कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे ट्रैक करने की डिवाइस बनाने में जुटे हैं। फिलहाल भारत में रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट की मदद से कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर आपको कोरोना टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आप घर बैठे खुद ही अपना कोरोना टेस्ट कर सके। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्टैम्प साइज चिप बनाया है जिसकी मदद से आप खुद कोविड 19 का टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट आपके स्मार्टफोन पर हो सकता है, जिसका रिजल्ट सिर्फ 55 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। इस माइक्रोफ्लूडिक चिप को राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया है। शोध रिपोर्ट में इस चिप को लेकर कहा गया है कि ये नैनोबिट्स चिप के जरिए 55 मिनट के अंदर आपके स्मार्टफोन पर कोरोना की रिपोर्ट दे देगा। ये प्रक्रिया स्वाब टेस्ट के मुकाबले बेहद आसान है। राइस लैब के मैकेनिकल इंजीनियर ने बताया कि ये डिवाइस इतनी बेहतरीन है कि आपको टेस्ट के लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया एक फोन के जरिए हो जाएगी। बता दें, इसी लैब के एक छात्र ने पिछले साल मलेरिया की जांच के लिए एक माइक्रो नीडल तैयार किया था। नई चिप को लेकर कहा जा रहा है कि ये कम समय में आपको सटीक रिजल्ट देगा। गूगल पिक्सल 2 फोन के साथ पोटेंशियोस्टैट नाम की एक डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। ये टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी एंटीबॉडी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। चिप पर सैंपल डालने के बाद एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। चिप फोन में मौजूद ऐप तक बाकी की जानकारी पहुंचाता है, जिसके बाद सारे प्रोसेस को पूरा किया जाता है और आपके स्मार्टफोन पर कोरोना का रिजल्ट सामने आ जाता है। ऐसे में अगर ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ज्यादातर लोगों तक उपलब्ध होती है, तो कुछ हद तक दुनिया को कोरोना को रोकने में आसानी होगी, क्योंकि अब भी कई लोग ऐसे हैं जो डर की वजह से अपना कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।